फरमाया कि इन जीता हब्बस का असलहा व तसद्दक कबीहा, कि अगर आप वक्फ करना ही चाहते हैं, राह खुदा में इसको खर्च करना ही चाहते हैं, तो उसकी बेहतरीन शक्ल मैं तुमको बताता हूं कि हब्बस का असलहा के इसकी असल को बाकी रख दो, व तसद्दक कबीहा और उसके हासिल होने वाले समरात को, उसके पैदावार को, उसके उससे हासिल होने वाले फल फूल को क्या कर दो, सदका कर दो। मतलब ये निकला कि जमीन अपनी असल के एतबार से वक्फ रहेगी और उससे हासिल होने वाला अनाज गल्ला, उसकी पैदावार और फल फूल वगैरह उसको क्या किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। तो हजरत उमर ने सरकार के इस इरशाद के मुताबिक तसद्दक बिहा जमीन को वक्फ कर दिया हजरत उमर ने, और वक्फ नामे में शर्तें लगाई कि अल्लाह तुबा के उसकी जब उसकी तिजारत नहीं हो सकती, उसको बेचा नहीं जा सकता, वाला कुहबा हिबा नहीं कर सकते, किसी को तोहफे में वो जमीन उठा करके दी नहीं जा सकती, वाला पूरा सा और उसमें वरासत भी नहीं चलेगी कि बाप मर गया या वाकिफ मर गया तो वाकिफ के वारिसीन उसके मालिक बन जाएंगे, ऐसा नहीं, वरासत भी नहीं चलेगी, हिबा भी नहीं कर सकते तरीके, और खरीदो फरोख भी उसकी नहीं हो सकती। अल्बत्ता तसद्दक बिहा हजरत उमर ने उसको वक्फ कर दिया, फिर फुकारा इवल कुरबा वर रिकाब व फी सबीलिल्लाह व सैफ व इब्न सबील ला जुनाहा अला मन वलीहा अय्याकुल बिहा बिमारूफ, जो निगरान होगा, मुतवल्ली होगा, जिम्मेदार होगा और नाज़िम वक्फ होगा, उसके लिए गुंजाइश होगी इस बात की कि वो उसकी पैदावार को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, बिमारूफी मारूफ तरीके से, मारूफ मिकदार में, और इसी तरह जैसे वो खुद खा सकता है, मुतवल्ली युतिम सदीकन अपने दोस्त अहबाब को भी खिला सकता है, घर वालों को भी खिला सकता है, लेकिन शर्त यह है कि गैर मुतमव्विल फीही तमव्वुल करना नहीं चाहिए, ज़खीरा नहीं करना चाहिए, कि उसको जितनी जरूरत है इस महीने के लिए जितनी जरूरत है उतना लेगा, आगे के लिए जखीरा करके रखना, आगे के लिए जमा करके रखना, या उससे हासिल होने वाले नफा को तिजारत में लगा करके उससे फायदा उठाना मुतवल्ली और नाज़िम वक्फ के लिए जायज नहीं होगा। तो इसमें आया कि हजरत उमर ने मशवरा मांगा तो मालूम हुआ कि मशवरा करना चाहिए, रसूलुल्लाह ने बेहतरीन राय दी, बेहतरीन फैसला दिया तो मालूम हुआ कि बड़ों को अपने छोटों का लिहाज रखना चाहिए और छोटों का ख्याल रखते हुए उनको मशवरा देना चाहिए। दो बातें हुई, और एक बात जिस मकसद के लिए इमाम नसई ने रिवायत पेश की वो मकसद ये है कि वक्फ नामा और वक्फ की दस्तावेज किस तरह तहरीर की जाएगी, उसमें किन शर्तों का तस्किरा किया जाएगा, ला तुबाउ वला तुरसु वला तुहब और तसद्दक बिहा अल फुकरा वल कुरबा वगैरह वगैरह, तो ये शर्तें लिखी जाएंगी, और अखीर में ये भी लिख देंगे कि जो निगरान होगा, जो मुतवल्ली और जिम्मेदार होगा, उसके लिए गुंजाइश है कि वो मेहनत करने में लग जाएगा तो इसकी निगरानी नहीं होगी, इसलिए उसके माश का भी इसी से इंतजाम होगा, गैर मुतवल्ली लेकिन हासिल करेगा जितनी जरूरत है उतनी, आगे के लिए जखीरा करना, जमा करके रखना, ये उसके लिए सही दुरुस्त नहीं होगा। तो इसमें जिक्रुल इख्तिलाफ अलग नियाओं ने, इसमें क्या आया कि ला तुबाहा वला तुहबा वला तुरसा एक लफ्ज बढ़ करके है, इससे पहले की रिवायत में ला तुबाहा वला तुहबा है, और इससे पहले और थोड़ा सा और भी फर्क है कि इबारतें आगे आगे हो गई, ला जुनाहा अला मन वलीहा अय्याकुल मिनहा बिल मारूफ व युतिमा सदीकन का लफ्ज पढ़कर है इसमें, गैर मुतमव्विल फीही बाद में है, तो इस तरह थोड़े से फर्क के साथ अल्फाज के इजाफे होंगे, अल्फाज का इजाफा होगा या तब्दीली आगे पीछे।